Welcome back to my channel. So guys, जैसे कि आप वीडियो के टाइटल में देख सकते हैं, आज मैं और आप और हम जाने वाले हैं finally BTS के कॉन्सर्ट में. Yay! ऐसा चमत्कार कैसे हो सकता है मेरे साथ? I'm going to the BTS concert. मैं बार बार मेरे अपने आप को पिंच कर रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रही हूँ. और मुझे पता है कि बहुत सारी आर्मीज हैं जिनको BTS की टिकट नहीं मिली क्योंकि बहुत ही मुश्किल होता है टिकट मिलना. प्लीज आप दुखी मत होना, अपने आप को दूसरी आर्मीज के साथ कंपेयर मत करना, मेरे साथ कंपेयर मत करना क्योंकि ऑलरेडी आपकी मम्मी है आपको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करने के लिए. सो गाइज, ये होने वाला है BTS का फ्री कॉन्सर्ट येट टू कम इन बुसान. फ्री कॉन्सर्ट का मतलब ये नहीं है कि कोई भी जा सकता क्योंकि फ्री फंडे में. नो. बेसिकली टिकट फ्री होते हैं, मतलब कि आपको टिकट के पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन आपको एडवांस में टिकट बुक करनी पड़ती है. और टिकट बुक करना इम्पॉसिबल होता है क्योंकि वो कुछ ही सेकंड में, मतलब कि एक दो सेकंड में सारी सोल्ड आउट हो जाती है. सो एक्चुअली मैंने भी टिकट बुक करने की कोशिश करी थी और जैसे मैं वेबसाइट पर गई, एक सेकंड के अंदर सारी सोल्ड आउट हो गई. तो मैंने सोचा कि यार मेरी किस्मत इतनी क्यों खराब है, इस बार मैं BTS के कॉन्सर्ट में नहीं जा पाऊंगी. लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया और उसके थ्रू मुझे टिकट मिल गई BTS कॉन्सर्ट की, और उस चमत्कार का नाम है Zepeto. तो अभी आप सोच रहे होंगे कि दीदी ये Zepeto होता क्या है. मैं बताती हूँ ना, आपको थोड़ा सब्र रखिए. सो बेसिकली Zepeto एशिया का सबसे बड़ा मेटावर्स प्लेटफॉर्म है जो कि आप अपने कंप्यूटर से या फोन से डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में आप अपना अवतार बना सकते हो, उसको 3D में बना सकते हो, अलग अलग स्टाइल दे सकते हो उसको, अलग अलग कपड़े पहना सकते हो और आप जो अलग अलग वर्ड्स होते हैं ना वो एक्सप्लोर कर सकते हो. एक्चुअली Zepeto ने मुझे इन्वाइट करा था एज एन इन्फ्लुएंसर इस BTS के कॉन्सर्ट में, ताकि कि मैं आपको जो मेरे सब्सक्राइबर्स है ना उनको मेरे साथ BTS के कॉन्सर्ट में ले सकूं और हम सब एक साथ एंजॉय कर सकें. बाय द वे ये प्रीमियम होटल Zepeto ने मेरे लिए बुक करी और इतनी मस्त है कि मैं आपको क्या बताऊं. सो गाइस, ये रहा एंट्रेंस और अंदर घुसते ही आपको मिलेगा बाथरूम. यहाँ पर रहा बैथटब, सिंक, और ये रहा मेरा ट्रेवलिंग सेट स्किन केयर का. ये रहा टॉयलेट, यहाँ पर रहा बाथरूम का कुछ सामान, टूथपेस्ट एंड टूथब्रश. ये वाला मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ, ये एक्स्ट्रा वाला मैं घर पर चोरी करके लेके जाने वाली हूँ. मैंने ऑलरेडी होटल की चप्पल पहन रखी है और लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा चप्पल रही तो हम लगते हाथ ये भी चोरी कर लेते हैं. बाद में आपको मिलेगा यहाँ पर बेडरूम टेबल, और यहाँ पर रहा मेरा एक्स्ट्रा ट्रेवलिंग का सामान क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए बुसान ट्रेवलिंग करने वाली हूँ और आपको भी मेरे साथ लेके जाने वाली हूँ, तो उसकी वजह से ये रहा मेरा पूरा बोरिया बिस्तर. एक्चुअली गाइस, मैंने कॉन्सर्ट के लिए कुछ भी शॉपिंग नहीं करी क्योंकि मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं कॉन्सर्ट में जाने वाली हूँ. तो अभी हम जल्दी से कपड़े चेंज करते हैं और बाहर शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहाँ पर कुछ पर्पल कलर के कपड़े या एक्सेसरीज खरीदते हैं. गाइस, ये रहा वो शॉपिंग मॉल. वाओ गाइस, देखिए मुझे क्या मिली है यहाँ पे. पर्पल कलर की पैंट्स, पर्पल कलर का बैग, लेकिन ये ज्यादा बड़ा है मेरे लिए. पर्पल कलर की जुराबें. एक्चुअली मेरा मेन आइडिया ये था कि मैं पर्पल कलर की स्वेटर पहन के जाऊं और नीचे ब्लैक या व्हाइट कलर की स्कर्ट, तो मुझे पैंट्स की जरूरत नहीं है. गाइस, मुझे ये पर्पल कलर का बैग मिला है, काफी प्रीटी है, तो अभी हम देखते हैं कि ये कैसा लगता है. गाइस, काफी अच्छा लग रहा है ये वाला बैग. ये वाला है इतना महंगा. अभी हम इसके पैसे देते हैं. So guys, मुझे ये पर्पल कलर की क्यूट सी स्वेटर मिली है तो मैं ये ट्राई करना चाहती हूँ. Yeah, it's so pretty. Guys, मुझे ये बहुत पसंद आई है तो मैं इसको खरीदने वाली हूँ. और बाय द वे, इस स्वेटर का जो बैग का प्राइस है ना, सेम टू सेम है, सेम प्राइस. Oh, that dress looks so good on you. Wow. Yeah. So guys, हमने बैग खरीद लिया और स्वेटर भी खरीद ली और अभी मैं सोच रही हूँ कि कुछ एक्सेसरीज खरीदती हूँ. फॉर एग्जाम्पल इयररिंग्स. ये वाले इयररिंग्स देखिए, आई थिंक दे आर परफेक्ट. गाइज, ये वाले इयररिंग्स मुझे पसंद आए हैं लेकिन इनका प्राइस देखिए बहुत एक्सपेंसिव है. हम गरीब लोग हैं तो हम ये सस्ते वाले खरीदेंगे.아니 뭐 드릴 또 드릴 만한 게 없네. 아니요, 괜찮아요. 괜찮아요. 마음만 다 줄게요. 잘가요. 감사합니다. 네, 정말. So guys, 이렇게 많은 돈을 벌고 난 다음에 이게 제 마지막 콘서트 패션. 블랙 스커트,
पर्पल कलर की स्वेटर, ब्लैक कलर की बूट्स, ये लाइट पर्पल कलर वाला बैग। सो गाइज मेरी फैशन कंप्लीट हो चुकी है कॉन्सर्ट में जाने के लिए। बाय द वे गाइज मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ है कि मैं नहाकर आई, मेरे कपड़े चेंज करे, तैयार हुई और यहाँ पर ये खिड़की पूरी खुली की खुली है। सो अगर किसी ने मुझे बाहर से देखा होगा ना तो प्लीज आप मुझे थरकी मत समझना, मैं एक बहुत ही शरीफ इंसान हूँ और वैसे भी कुछ देखने के लिए है भी नहीं क्योंकि मैं तो एक लौंडा हूँ। अभी बाहर ज़ेपेटो की टीम मेरा इंतजार कर रही है कॉन्सर्ट जाने के लिए, तो अभी हम जल्दी से बाहर चलते हैं। अभी हम बस लेके कॉन्सर्ट जाने वाले हैं। सो एक्साइटेड गाइस, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी 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 एक्साइटेड हूँ। सो गाइज ये वाली बस डायरेक्टली स्टेडियम में जाने वाली है, लेकिन स्टेडियम में जाने से पहले हमें पेट पूजा करनी चाहिए, तो उसकी वजह से हम बीच में रुकने वाले हैं और वहाँ पर हमें फ्री फंडे में लंच मिलेगा। तो मेरी तो किस्मत खुल गई आज। सो गाइज अभी हमारी बस स्टॉप इस बिल्डिंग पर रुक चुकी है जो की है एक रेस्टोरेंट, तो वी आर गोना हैव लंच ओवर हियर और उसके बाद में हम वापस बस लेंगे और पुसान स्टेडियम में जाएंगे। सो गाइज मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी सुमीन के साथ, जिसने मुझे इस कॉन्सर्ट में इनवाइट कराया, उसकी वजह से मैं इस कॉन्सर्ट पे जा पाई हूँ क्योंकि उसने मुझे बार बार ईमेल करा था कि पूनम तुम प्लीज़ हमारे कॉन्सर्ट में आओ, हम तुम्हें BTS का कॉन्सर्ट फ्री फंडे में दिखाना चाहते हैं। तो मैंने उसके साथ एक स्टोरी लगाई थी इंस्टाग्राम पर और अभी मेरे सारे फॉलोअर्स वापस उसको फॉलो करने लग गए और वो काफ़ी एक्साइटेड हो रही कि पूनम तू तो बहुत बड़ी इंसान निकली, सब लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तुम्हारी वजह से। पू आर्मी का पावर show me. Wow, so many followers. Wow, you are gonna be a celebrity soon. Wow. Ani yeppa sokreya. गाइज फाइनली अभी हम स्टेडियम में पहुंच चुके और बाहर बहुत ही भीड़ लगी हुई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। गाइज देखिए कितने सारे आर्मीज रहे यहाँ पे। ओह माय गॉड सो मेनी पीपल खावाए जोंगकुक सारांगे। सो गाइज अभी मैं हम स्टेडियम में पहुंच चुके हैं एंड आई एम सो एक्साइटेड और हमारे पीछे रहे सारे कैमरामैन जो कि हमारी शूटिंग कर रहे हैं। सो ओह माय गॉड गाइज मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं BTS को देखने वाली हूँ असलियत में, मेरी इन आँखों से TV के थ्रू नहीं, असलियत में मैं उनको देखने वाली हूँ। सो ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड। I'm here at the stadium. आपको पर्पल कलर में बहुत सारे लोग दिखेंगे। यहाँ पर इंडिया का झंडा कहाँ पर है मुझे दिख रहा नहीं है। वाह गाइस मुझे इंडिया का झंडा भी मिल गया। सो यहाँ पर रहा हमारा इंडिया का झंडा और वहाँ पर रहा स्टेडियम। वो रहा पाकिस्तान का झंडा, ग्रीन वाला बांग्लादेश का रहा, वो रहा नेपाल का झंडा गाइस, श्रीलंका का झंडा भी ढूंढ लिया मैंने। Are you from India? Sri Lanka. Oh, I saw the yeah over there. So guys, आज ये कैमरामैन हमको फॉलो करने वाले हैं और हमारी एक्सपीरियंस रिकॉर्डिंग करने वाले हैं। गाइस मैंने मेरी पूरी लाइफ में इतने सारे लोग एक ही जगह पर कभी भी नहीं देखे, इसको बोलते हैं BTS का पावर। गाइस मैंने आरबी बॉम ऑर्डर कराया स्टेडियम से और मुझे उसको पिकअप करने लेके जाना है, तो अभी मैं ढूंढ रही हूँ कि वो पिकअप स्टोर कहाँ पर है जहाँ पर मुझे जाना है। फाइनली गाइस बहुत ही स्ट्रगल के बाद में मुझे जहाँ पर लाइट स्टिक बेचते हैं ना वो जगह मिल गई। थैंक यू गाइस, हियर इट इज। यहाँ पर सेफ्टी के लिए एम्बुलेंस भी रही। मैं ये आर्मी बॉम लिया है तो अभी हम इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। Look at this. गाइज ये रहा मेरा फर्स्ट एवर आर्मी बॉम। इसके अंदर बैटरीज नहीं है लेकिन थैंकफुली जो मेरी फ्रेंड है ना सुमीन उसके पास एक्स्ट्रा बैटरीज है, सो शी इज गोना गिव मी द एक्स्ट्रा बैटरीज। और स्टेडियम के अंदर गाने सुनते वक्त मैं ऐसे करती रहूंगी। सामिता जिसके पास ये वाली ब्रेसलेट है ना वो ही कॉन्सर्ट के स्टेडियम के अंदर जा सकते हैं। थैंक यू।
सो गाइज हमें फ्री फंडे में ये सारा सामान भी मिला है। गाइज अभी हमने हमारी टिकट्स वगैरह सब कुछ ले ली है और अभी हम स्टेडियम के अंदर फाइनली स्टेडियम के अंदर जाने वाले हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। आई थिंक ओवर सेकंड रो इज बेटर, राइट? ये रही मेरी टिकट, अभी हम हमारी सीट ढूंढते हैं। गाइज ये रही मेरी सीट। एक्सक्यूज मी, वाह गाइज इट्स टर्निंग ऑन। By the way, मुझे फ्री में ये पर्पल कलर का मास्क भी मिला है, सो आई एम सो हैप्पी, क्योंकि ये वाले मास्क सारे सोल्ड आउट हो चुके हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे फ्री फंडे में मिला है, सो आई एम गोना चेंज माय मास्क। तदान। यहाँ पर रहा BTS का लोगो। And here is my friend Madonna, right? And इसका बॉयफ्रेंड इटालियन है, so she can speak Italian really good, right? Little. You think it's good? No. Il tuo italiano è veramente perfetto. Grazie. Non ti preoccupare. गाइस कॉन्सर्ट जाने से पहले हमने सोचा कि बाथरूम जाके आ जाते हैं, लेकिन देखिए ये रही बाथरूम जाने के लिए लाइन, सो बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। लड़की वाली लाइन और ये रहा लड़कों का बाथरूम, कुछ भी लाइन नहीं है यहाँ पे। फाइनली गाइस मेरा टर्न आ गया है बाथरूम जाने का। गाइस अभी 10 मिनट बाद में कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाएगा और मुझे लगता है कि सारे मेम्बर्स अभी तैयार हो रहे होंगे बाहर निकलने के लिए, और यहाँ पे सबका एक्साइटमेंट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, मेरा भी, सो हम सो एक्साइटेड। All그냥 여러분들이 이렇게 만나 뵙는 것도 언제나 영광이고 행복한데, 항상 이렇게 뭔가 고향으로 이렇게 모실 수 있다는 게 너무 설레고 되게 부산은 기회가 되죠. 대부분은 없습니다. 아직 한 번 더 들려드리는 건데, 아무튼 이 부산이 도시 즐길 준비 되셨나요? 여러분 어떻게 다들 잘 보고 계신가요? 오늘은 여러분과 함께하는 그냥 축제입니다. 페스티벌 가보신 분도 있겠지만 뜨겁게 만들어 봐야겠죠. 자, 다들 준비되셨어요? Okay, everybody watching this, are you ready to join this wave? 그럼 본격적으로 시작합니다. Let's go!
그렇습니다. 지켜달라고 이렇게 얘기한 적 있잖아요. 지금 보면 좀 다치는 아미분들도 몇 분 계신 것 같아요. 그러니까요. 우리 다들 안전 유의하시고. Welcome to my city, let's go! 시간이 이렇게 빨리 지나갔다는 건 우리가 그만큼 행복한 시간을 보냈다는 증거일 테니까요. 아, 연습할 때는 큐시트가 굉장히 길었는데 막상 이렇게 하다 보니까 왜 이렇게 짧은지 잘 모르겠어요. 저희는 또 다른 내일이 있기 때문에 아쉬움보다 더 큰 기대감을 나눠 가지면서 저희는 이만 인사를 드리려고 합니다. 감사합니다. 저희는 지금까지 방탄 소녀였습니다. 둘, 셋! 감사합니다. चुकी और अभी यहाँ पे रात के 3 बज रहे हैं. आई एम सो सो टायर्ड. मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी थक चुकी हूँ अभी. लेकिन पता नहीं कुछ अजीब सी खुशी हो रखी है. सो आई डोंट नो, इट्स वियर्ड. गाइज़ अभी मुझे सोना चाहिए क्योंकि काफ़ी रात हो गई है और एक्चुअली मुझे कल सुबह उठना है. तो मेरे पास सिर्फ चार घंटे होंगे सोने के लिए. लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे नींद ही नहीं आ रही. मतलब कि मेरी एड्रेनालिन, मेरा जो एक्साइटमेंट है ना, वो अभी भी काफ़ी हाई लेवल पर है. तो मुझे अभी नींद कैसे आएगी मुझे खुद भी नहीं पता.
आई होप कि आपने ये वाला भी वीडियो एंजॉय करा होगा। अगर आप BTS आर्मी भी नहीं है फिर भी आई होप कि आपने मेरे साथ ये क्यूट सा छोटा सा व्लॉग एंजॉय करा होगा। मुझे लगता है कि मैं आज रात को मेरे इस आर्मी बॉम्ब के साथ सोने वाली हूँ, इसको हग करके सोने वाली हूँ। सो गाइज, ये था मेरी जिंदगी का, मेरी छोटी सी जिंदगी का सबसे पहला BTS कॉन्सर्ट और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। और जैसे ही कॉन्सर्ट स्टार्ट हुआ और मेंबर स्टेज पर आने लग गए ना, तो मेरे मुंह से कोई भी आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरी बॉडी कम्प्लीटली फ्रोजन हो गई थी, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं भी सेम स्टेडियम में हूँ, सेम ही जगह पर हूँ जहाँ पर BTS है, और मैं जो सेम एयर है ना, जो वो ब्रीथ कर रहे हैं, वो भी मैं ब्रीथ कर रही हूँ। मतलब कि मुझे बहुत ही यू नो सरियल लग रहा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सच में मैं वहां पर हूँ स्टेडियम में। तो उसकी वजह से मैं काफी शॉक थी, मैं चिल्ला नहीं पा रही थी, लेकिन बाद में जैसे ही मुझे थोड़ा बहुत रियलाइज होने लग गया कि हाँ पूनम तुम सच में स्टेडियम में हो, तुम सच में BTS का कॉन्सर्ट सुन रही हो, लाइव सुन रही हो, तब मैं थोड़ा बहुत यू नो या क्रेजी सी होने लग गई। बाय द वे गाइस, मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप कभी भी कोई कॉन्सर्ट में जाना चाहे, ब्लैकपिंक, BTS, EXO, अरिजीत सिंह, आयू, जो भी कोई कॉन्सर्ट हो ना, तो आप प्लीज जो कंफर्टेबल कपड़े होते हैं ना वो पहन के जाइए, क्योंकि वहां पे इतना भीड़ भड़ाका होने वाला है, आपको कोई भी नोटिस नहीं करने वाला कि आप कितने मस्त मस्त कपड़े पहन रखे, आप कितने स्टाइलिश हो। और हाँ, आप कभी भी हील्स मत पहन के जाइए, क्योंकि वहां पर कूदना पड़ता है, डांस करना पड़ता है और लंबी लाइन में इंतजार करना पड़ता है। तो उसकी वजह से अगर आपके पास यू नो कंफर्टेबल जूते वगैरह होना तो वो पहन के जाइए। तो गाइज, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको आज का भी ये बहुत ही अजीब गरीब ब्लॉग पसंद आया होगा। और वीडियो एंड करने से पहले मैं वापस ज़ेपेटो टीम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से मैं BTS कॉन्सर्ट जा पाई, मुझे ये फ्री फंडे में होटल मिली, मुझे फ्री फंडे का खाना मिला और फ्री फंडे की बस मिली, सब कुछ मुझे फ्री फंडे का मिला। सो ज़ेपेटो, आई लव यू, नुमु 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 सारांगे हो। प्लीज मुझे बाकी ब्लैक पिंक के और जो भी आप इवेंट्स करते हैं ना उनके कॉन्सर्ट में भी बुलाना। थारिन हिंगसा आम्यो छोदे चुसे। और मेरा सबसे बड़ा थैंक यू आपको जाता है, क्योंकि अगर आप नहीं होते ना तो मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आती, तो ये सब कुछ आप लोगों की कृपा है। तभी मैं मेरी फालतू की बकवास थोड़ी कम करती हूँ और यहाँ वहाँ भटकना कम करती हूँ और सोने जाती हूँ, क्योंकि कल मुझे सुबह जल्दी उठना है। ओ माय गॉड। गाइस, आप प्लीज अपना ध्यान रखना, खुश रहना, हैप्पी रहना, और मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि होने वाला है बुसान व्लॉग्स, क्योंकि मैं कुछ दिन के लिए बुसान में रहने वाली हूँ और आप और मैं और आप एक साथ क्यूट से डेट पर जाने वाले हैं। तो आप प्लीज उसका इंतजार रखना और तैयार रहना मेरे साथ डेट पर जाने के लिए। बाय।